हम देखने वाले हैं क्या कि न्यूमेरिकल देखने वाले हैं किसका कंडक्टेंस ऑफ नॉन रिएक्टिंग मिक्सचर का न्यूमेरिकल है। लिख दिया मैंने कि 0.1 मोलर NaCl सॉल्यूशन इज फिल्ड इन ए कंडक्टिविटी सेल व्हिच शोस कंडक्टेंस वैल्यू इक्वल्स टू 0.02 साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। यानी ये क्या गिवन है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस गिवन है क्योंकि इसकी यूनिट ने बता दिया। हमेशा टाइप ऑफ कंडक्टेंस हमें यूनिट से ही पता चलेगा मेनली। जैसे रेट केमिकल काइनेटिक्स में रेट कांस्टेंट या ऑर्डर ऑफ रिएक्शन रेट कांस्टेंट की यूनिट से पता चलता था, यहां कंडक्टेंस की यूनिट से टाइप ऑफ कंडक्टेंस पता चलेगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया स्पेसिफिक कंडक्टेंस। तो मुझे क्या बताना है, मोलर कंडक्टेंस ऑफ NaCl सॉल्यूशन बताना है। ठीक है, देखो तो पहला पार्ट क्या है, मोलर कंडक्टेंस ऑफ NaCl सॉल्यूशन क्या होता है, K(1000)/mol। तो सिंपल सी बात है, K क्या गिवन है मुझे, 0.02 × 1000/molarity कितनी है मेरी, 0.1 molar। ठीक है, ये ऐसे होगा, ऐसे तो ये स्टिक वाला जाएगा, 200 लैम्डा एम की वैल्यू, इसकी यूनिट क्या होती है, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। लैम्डा एम किसका आ गया, ये NaCl का, किसका आ गया, NaCl का। अब उसने बोला सेकंड पार्ट जो है हमारे काम का है, जो हमारा एप्लीकेशन पार्ट है, ये तो पहला वाला पार्ट हो गया कि सिंगल इलेक्ट्रोलाइट वाला। सेकंड पार्ट में बोला है कि उसने अगर इतना ही वॉल्यूम मैंने किसका डाल दिया, 0.02 मोलर HCl का डाल दिया, HCl डाल दिया उसमें, इज एडेड टू द सॉल्यूशन द कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी का मतलब भी क्या है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस है, कहां तक इंक्रीज कर जाते हैं, इंक्रीज अप टू 0.03 साइमन सेंटीमीटर बस, कैलकुलेट द मोलर कंडक्टेंस ऑफ HCl सॉल्यूशन। उसने बोला जो मेरी नई कंडक्टिव स्पेसिफिक कंडक्टेंस है, ये बोलूं कि ये सॉल्यूशन है वो कहां क्या है, 0.03, क्योंकि यहां तक इंक्रीज करना है ना, और यूनिट क्या होती है, साइमन सेंटीमीटर की बस। उसने बोला कि मैंने जितना NaCl था उतना ही HCl जाते हैं, देखो NaCl HCl से रिएक्ट नहीं करता है भाई, दोनों नॉन रिएक्टिंग स्पीशीज है। ठीक है, NaCl HCl की रिएक्शन नहीं होती है। ठीक है, तो बात करते हैं हम क्या जनरल NaCl के कितना होगा, 0.1 मोलर था और इसका वॉल्यूम कुछ भी रहा होगा, उतना ही मैंने HCl डाल दिया जिसका वॉल्यूम क्या है, 0.02 मोलर है और उसका वॉल्यूम भी क्या होगा, बी। यानी वॉल्यूम डबल होने से कंसंट्रेशन क्या हो जाती है, हाफ हो जाती है। ये बात क्वेश्चन है, कंसंट्रेशन इक्वल्स टू n / b, जैसे ही इस वॉल्यूम को डबल करूंगा तो समझो कंसंट्रेशन मेरी क्या हो गई, मेरी हाफ हो गई। वॉल्यूम डबल करते ही कंसंट्रेशन क्या हो जाती है, हाफ हो जाती। ठीक है, तो नई कंसंट्रेशन जो होगी किसकी, NaCl की। मैं बात करूं m of NaCl nu, m dash of NaCl nu किसके इक्वल हो जाएगी, पहले 0.1 थी तो अब हाफ हो जाएगी, 0.05 मोलर हो जाएगी। ठीक है, अब कंसंट्रेशन ऑफ HCl भी क्या हो जाएगी, हाफ हो जाएगी, क्योंकि वॉल्यूम तो अब Ba plus Bb यानी 2B हो गया हुआ, तो कंसंट्रेशन ऑफ नई कंसंट्रेशन ऑफ HCl क्या हो जाएगी, 0.01 मोलर हो जाएगी, 0.01। अब मैं K सॉल्यूशन का फॉर्मूला लगा सकता हूं, मैंने निकाला था कि K सॉल्यूशन किसके इक्वल होता है, किसके इक्वल होता है, लैम्डा m into m dash of A यानी m dash of NaCl upon 1000 into plus लैम्डा m of, ये है NaCl का लैम्डा, HCl into m dash of HCl upon 1000, यानी चाहे 1/1000 कॉमन भी ले लो तो क्या हो जाएगा, ये सॉल्यूशन किसके इक्वल आ गया, 1/1000 कॉमन ले लिया, m HCl की नई कंसंट्रेशन into लैम्डा m of HCl plus m NaCl की नई कंसंट्रेशन, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ NaCl नई वाली into क्या, लैम्डा NaCl। ठीक है, बस लैम्डा NaCl मतलब लैम्डा मोलर, मोलर कंसंट्रेशन। अब ये सब वैल्यू पुट कर दो और मेरा आंसर आ जाएगा। तो K सॉल्यूशन मेरा क्या है, गिवन है 0.03, 1/1000 HCl की मोलर कंसंट्रेशन कितनी है, 0.01 लैम्डा मोलर कंसंट्रेशन ऑफ HCl मुझे क्या है, निकाल दिया है लैम्डा और HCl निकालना है, ये निकालना है, प्लस मोलर कंसंट्रेशन ऑफ NaCl क्या है, 0.0
05 है और लैम्डा एनएसीएल क्या है 200। देखो वॉल्यूम चेंज होने से मोलर कंसंट्रेशन चेंज नहीं होगी भाई, होगी मतलब पर यहाँ मेरी मोलर कंसंट्रेशन वही है 200, इतनी है 200 है ठीक है। ये वैल्यू पुट करेंगे, ये सब सॉल्व करके यहाँ से लैम्डा एम ऑफ एचसीएल निकाल देंगे, लैम्डा एम ऑफ एचसीएल को निकाल देंगे ठीक है। जो भी आएगा यहाँ से जो भी वैल्यू आएगी वो निकाल के कैलकुलेट करके सॉल्व कर देना, ये न्यूमेरिकल इसी तरीके से सॉल्व होगा। देखो ये नॉन रिएक्टिंग मिक्सचर के लिए केकी फॉर्मूला जो बना था वो हमारा यूज हो गया, वो हमारा यूज हो गया। अब इसके बाद हम जो पढ़ने जा रहे हैं दैट इज द कंडक्टेंस ऑफ रिएक्टिंग मिक्सचर, इसका रिएक्टिंग इलेक्ट्रोलाइट के मिक्सचर का कंडक्टेंस जो भी वैल्यू आएगी निकाल के ले लेना ठीक है। देखो तो यहाँ मेरे पास तीन केस बनते हैं। केस नंबर वन,
बिफोर इक्विवेलेंस पॉइंट, क्या बिफोर इक्विवेलेंस, भैया इक्विवेलेंस पॉइंट से पहले, यानी देखो माना मैंने NaOH उतना ऐड किया कि मेरा जो NaOH है उसके मिलीमोल्स किससे HCl के मिलीमोल्स से कम है, क्योंकि दोनों 1:1 के रेशियो में तो रिएक्ट कर रहे हैं, ठीक है। माना मैंने 50 ml डाला, कितना डाला 0.1 मोल तो है ये, और 50 ml डाल दिया तो कितने मिलीमोल बने इसके, 5 मिलीमोल, क्या मिलीमोल बने, 5 मिलीमोल बने। स्टार्टिंग में इसका कुछ नहीं था, पर जब रिएक्शन होगी तो इसके कितने रिएक्टर हैं, 5, इसके 5 से रिएक्टर निकले, इसके 5 चाहिए, यानी ये क्या बन गया मेरा लिमिटिंग रिएजेंट, लिमिटिंग रिएजेंट बन गया, लिमिटिंग एजेंट बन गया। तो रिएक्शन किसके अकॉर्डिंग चाहिए, तो इसके 5 से रिएक्टर निकले, इसके 5 चाहिए, बचेंगे कितने, 5, इसके कितने बचेंगे 0, और इसके कितने फॉर्म हो जाएंगे 5। तो बिफोर इक्विवेलेंस पॉइंट मेरे पास कौन कौन से इलेक्ट्रोलाइट बचेंगे सॉल्यूशन में, NaOH भले ही डाला था पर सॉल्यूशन में इलेक्ट्रोलाइट मुझे कौन सा मिलेगा, NaCl मिलेगा और HCl मिलेगा, क्या मिलेगा, NaCl मिलेगा और HCl मिलेगा, और इनकी कंसंट्रेशन बदल गई होगी, अब HCl की कंसंट्रेशन 0.1 मोलर नहीं रही होगी भाई, चेंज हो गई होगी, क्योंकि मेरा वॉल्यूम चेंज हो गया, पहले 100 ml वॉल्यूम था, अब 50 ml NaOH और डाल दिया है, अब वॉल्यूम मेरा 150 ml हो गया होगा। अगर मैं बात करूं किसकी, कंसंट्रेशन ऑफ HCl की, नई कंसंट्रेशन ऑफ HCl बच जाएगी 50/150, टोटल वॉल्यूम नंबर ऑफ मिलीमोल्स बटे वॉल्यूम। कंसंट्रेशन ऑफ NaCl कितनी हो जाएगी, नई वाली NaCl की कंसंट्रेशन कितनी हो जाएगी, 5/150 हो जाएगी, ये भी क्या हो जाएगी 5/150, और ये भी क्या हो जाएगी 5/150, ठीक है। तो बिफोर इक्विवेलेंस पॉइंट जो मेरा क्या हो जाएगा, के सॉल्यूशन हो जाएगा, ये सब लिखेंगे बिफोर इक्विवेलेंस पॉइंट के बाद HCl + NaOH रिएक्शन लिखेंगे, और HCl + H2O तो बाहर देंगे, फिर इसका वैल्यू बता देंगे कि इसका कितना कंसंट्रेशन है, इसके कितने मिलीमोल, 10 मिलीमोल, इसके 5, इसका कुछ नहीं कुछ नहीं, इसके 5 से रिएक्ट करने के लिए लिमिटिंग एजेंट, ठीक है, ये 0 बचेगा, ये 5 बचेंगे, ये कितने बच जाएंगे 5, और ये कुछ नहीं, इसका तो बाउंड्री भी करेंगे, इसकी कंसंट्रेशन नई कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी 5/150, क्योंकि वॉल्यूम चेंज हो गया, इसकी चेंज क्या हो जाएगी, इसकी नई कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी 5/150। देखो डाला NaOH था पर NaOH बचा ही, बचा क्या NaCl + HCl, तो यहाँ जो ए सॉल्यूशन दिखेंगे, क्या फॉर्मूला लिखेंगे के सॉल्यूशन का, 1/1000 तो बाहर कॉमन आ जाएगा, ठीक है। नई कंसंट्रेशन HCl की लैम्डा n इनटू नई कंसंट्रेशन ऑफ HCl, मतलब ये किसके लिए, HCl के लिए, प्लस और कुछ परसेंट क्या है, लैम्डा n ऑफ NaCl इनटू नई कंसंट्रेशन ऑफ NaCl, ये किसके लिए, HCl के लिए, ये फॉर्मूला बन जाएगा इससे पहले इक्विवेलेंस पॉइंट से, इससे पहले इक्विवेलेंस पॉइंट से पहले। अब बात करते हैं एट इक्विवेलेंस पॉइंट, दूसरा केस इक्विवेलेंस की बात करेंगे, इक्विवेलेंस पॉइंट की बात करेंगे, इक्विवेलेंस पॉइंट पे क्या होगा कि मैंने जो NaOH की कंसंट्रेशन, इसके बाद में लिखेंगे जो मैं लिखने जा रहा हूँ, ठीक है, जो NaOH का वॉल्यूम ऐड करा वो भी क्या ऐड कर दिया, 100 ml ऐड किया, क्या क्या दिया, 100 ml ऐड किया, तो इसके भी कितने मोल हो गए, 10 मिलीमोल हो गए, इसके 10 मिलीमोल हो गए, तो अब 10 के 10 से 10 रिएक्ट कर जाएंगे, तो इधर क्या बचेगी, इधर भी 0 बचेगा, इधर भी 0, और इसके NaCl कितने मिलीमोल फॉर्म हो जाएंगे, 10 मिलीमोल ही NaCl के फॉर्म हो जाएंगे, कितने मिलीमोल फॉर्म हो जाएंगे NaCl की, 10 मिलीमोल फॉर्म हो जाएंगे। तो अब मेरा इक्विवेलेंस पॉइंट पर कुल कितने इलेक्ट्रोलाइट बचे, सिर्फ और सिर्फ एक बचा, उसका नाम है NaCl, तो यहाँ जो फॉर्मूला आएगा वो सिंगल इलेक्ट्रोलाइट वाला आ जाएगा, बस कंसंट्रेशन NaCl की चेंज हो गई होगी, क्या कंसंट्रेशन बन गई होगी नई NaCl की, 10/200, क्योंकि दोनों वहां पर मेरा 2 गुना हो गया, 100 ये 100 ये 200 ml हो गया, तो यहां फार्मूला क्या रहेगा, k इक्वल्स टू क्या क्या लैम्डा m ऑफ HCl NaCl
नई वाली मोलैरिटी ऑफ NaCl और अपॉन में क्या 1000, ये 1000 था यार, क्या था ये 1000 था, ठीक है 100 नहीं था, ये 1000 होता है, क्या था 1000 था, तो यही फॉर्मूला आ जाएगा मेरा एट वैलेंस पॉइंट, ठीक है भाई मैंने गलती से यहां रेड लिख दिया था, ये 1000 होगा, फिर उसका भी बार बार बनना होता है 1000 होगा, खुद को बताना चाहिए, मैं बोल रहा था 1000, पता नहीं कैसे जीरो मिस हो गया, ठीक है। अब थर्ड केस पढ़ते हैं आफ्टर इक्विवेलेंस पॉइंट, ये क्या पढ़ेंगे आफ्टर इक्विवेलेंस पॉइंट, थर्ड केस क्या है आफ्टर इक्विवेलेंस पॉइंट, देखो आफ्टर इक्विवेलेंस पॉइंट क्या होगा कि मैंने NOH जो है NOH क्या है ज्यादा ऐड कर दिया, NOH क्या ऐड कर दिया 150 ml ऐड कर दिया, सोचो NOH मैंने कितना ऐड कर दिया 150 ml ऐड कर दिया, तो अब इसके कितने मिलीमोल बन गए 15 मिलीमोल बन गए ना, तो अब इसके 15 मिलीमोल बन गए तो लिमिटिंग एजेंट कौन बन जाएगा, इसके 10 ही है तो लिमिटिंग एजेंट इस बार कौन सा बन जाएगा HCl मेरा लिमिटिंग एजेंट बन गया, लिमिटिंग एजेंट बन गया, एक ही बात है लिमिटिंग एजेंट बन गया, तो यहां इसके 10 के 10 खत्म हो जाएंगे, इसके इसके 10 से इसके 10 इलेक्ट्रॉन भी बचेंगे कितने 5 और HCl के कितने बन जाएंगे 10, ठीक है। तो अब मेरा आफ्टर इक्विवेलेंस पॉइंट 10 और इसके कितने हो गए 15, ठीक है ये कुछ नहीं इसका 0 बचा, इसके 5 बचे और इसके कितने बच गए 10 बच गए, ठीक है कितने बच गए बन गए 10 बन गए, ठीक है। तो अब मेरे आफ्टर इक्विवेलेंस पॉइंट कौन कौन सा इलेक्ट्रोलाइट बचा, एक तो NaOH बचा और एक NaCl बचा, क्या बचा एक तो NaOH बचा और एक क्या बचा मेरा NaCl बचा। अब जो मेरा के सॉल्यूशन वाला फॉर्मूला आएगा उसमें मैंने दो इलेक्ट्रोलाइट आएगा NaOH और NaCl भी आएगा, जैसे फर्स्ट वाला आया था किसके लिए HCl और NaOH के लिए, अब इसके लिए आएगा HCl और NaCl के लिए, इस बार इसके लिए आ जाएगा NaOH और NaCl के लिए, जो बच्चे होंगे खुद ही के लिए तो लिखेंगे देखो, लेकिन इनकी कंसंट्रेशन चेंज होगी होगी क्योंकि टोटल वॉल्यूम कितना हो गया इसकी NaCl की नई कंसंट्रेशन क्या होगी इस केस में क्या होगी कि 10/250 टोटल वॉल्यूम 250 है और NaOH के बीच में होगी 5/250 होगी 5/250, बिल्कुल ध्यान नहीं है हर चीज को तुम अलग से नोट करोगे अलग से तभी नोट अच्छे बनेंगे और तभी समझ में आएगा। तो के सॉल्यूशन क्या हो गया 1/1000 मोमल, ठीक है लैम्डा एम ऑफ NaOH इनटू नई कंसंट्रेशन ऑफ NaOH, ठीक है प्लस लैम्डा एम ऑफ NaCl इनटू नई वाली कंसंट्रेशन ऑफ जो भी कंसंट्रेशन तो मिक्सचर की होगी, नई कंसंट्रेशन जो बोलता हूं उसका मतलब क्या है तुम्हें पता है कंसंट्रेशन ऑफ मिक्सचर, मिक्सचर का क्या कंसंट्रेशन, ठीक है ये किसके लिए NaOH के लिए और ये किसके लिए NaCl के लिए, ठीक है देखो तीनों केस के यानी के सॉल्यूशन मिक्सचर के लिए डिफाइन कर दिए हैं कंडक्टेंस की वैल्यूज, ठीक है ऐसे ही आप इसका एक न्यूमेरिकल देखेंगे और फिर अपने अगले पार्ट पर चलेंगे जिसका नाम है फैक्टर्स ऑफ कंडक्टेंस, पहले इसका एक न्यूमेरिकल देखेंगे, ठीक है। तो हमने देख लिया क्या केस देख लिया किसका रिएक्टिंग इलेक्ट्रोलाइट्स के कंडक्टेंस का, कि ऐसा केस जब मेरे पास दो ऐसे इलेक्ट्रोलाइट मौजूद हो जो आपस में एक दूसरे से क्या कर सके रिएक्ट कर सके, फिर उसमें हमने तीन केस देखे कि क्या हमारा कंडक्टेंस होता है बिफोर इक्विवेलेंस पॉइंट, क्या होता है एट इक्विवेलेंस पॉइंट एंड क्या होता है आफ्टर इक्विवेलेंस पॉइंट, उसके फॉर्मूले देख लिए कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ लिया। आओ एक न्यूमेरिकल देखते हैं रिएक्टिंग मिक्सचर का जिसमें कंडक्टेंस मेजर करना पड़ता है, ये न्यूमेरिकल मैं लिख चुका हूं क्या है 0.1 मोलर 100 ml NaOH सॉल्यूशन इज टेकन इन कंडक्टिविटी सेल, ठीक है व्हिच शोस कंडक्टेंस वैल्यू इक्वल्स टू 0.02 साइमन सेंटीमीटर इनवर्स, कौन सा कंडक्टेंस है ये स्पेसिफिक कंडक्टेंस, किसने बताया मुझे यूनिट ने बता दिया, ठीक है किसका NaOH का, किसका है NaOH का, इफ इट इज टाइट्रेटेड विद 0.1 मोलर HCl सॉल्यूशन दैट फाइंड आउट, उसने बोला कि अगर हम उसकी टाइट्रेशन HCl सॉल्यूशन के साथ कर रहे हैं यानी टाइट्रेशन HCl सॉल्यूशन के साथ मतलब कि उसमें HCl का एडिशन कर रहे हैं HCl ऐड कर रहे हैं जो 0.1 मोलर है, तो क्या ये सब चीजें पर निकालो क्या ए क्या है मेरा ए ये निकालनी है मोलर कंडक्टेंस ऑफ NaOH सॉल्यूशन, देखो गिवन क्या क्या है मुझे मोलैरिटी ऑफ NaOH गिवन है, ठीक है जो किसके इक्वल है 0.1 मोलर के इक्वल है, ठीक है और वॉल्यूम ऑफ NaOH गिवन है
जो मुझे कितने 100 ml के इक्वल है और स्पेसिफिक कंडक्टेंस ऑफ एनायन यानी कापा ऑफ एनायन गिवन है जो किसके इक्वल है 0.02 साइमन सेंटीमीटर किसके इक्वल है साइमन सेंटीमीटर क्यूब। तो मुझे ए ऑप्शन में मेरा क्या पूछा है मोलर कंडक्टेंस ऑफ एनायन सिंगल है सिंगल इलेक्ट्रोलाइट वाला केस है इसमें ऐसा कुछ केस नहीं है तो लैम्डा एन इक्वल्स टू के इनटू 1000 अपॉन तो डायरेक्ट निकल जाएगा के की वैल्यू 0.02 इनटू 1000 अपॉन में मोलैरिटी इज 0.1 ठीक है तो इसको काट देंगे ऐसे काट देंगे तो ये कितनी आ जाएगी 200 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स यही तो होती है क्या क्या ए ऑप्शन का आंसर जाएगा 200 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स ठीक है एन ए ओ एच क्या निकला एन ए ओ एच की मेरे पास क्या आ गई मेरे पास मोलर कंडक्टेंस आ गई है जिसकी आ गई है मोलर कंडक्टेंस ऑफ एनायन सॉल्यूशन आ गई है। अब अगले ऑप्शन में उसने क्या पूछा है मुझे अगले ऑप्शन में पूछा है बी में कि अगर मैंने उसमें इधर उसमें 50 ml HCl ऐड कर दिया है क्या ऐड कर दिया है 50 ml HCl ऐड कर दिया है ठीक है तो जीरो HCl ऐड किया है तो यूज द कंडक्टेंस वैल्यू टू 0.01 साइमन सेंटीमीटर इनवर्स बाय लैम्डा एम NaCl ठीक है उसने बोला भैया HCl कितना ऐड कर दिया मैंने 50 ml ऐड कर दिया है और HCl का जो लैम्डा एम है क्या है लैम्डा एम है वो है 0.01 साइमन सेंटीमीटर इनवर्स है क्या है 0.01 साइमन सेंटीमीटर इनवर्स है ठीक है तो जो मेरा क्या है मोलर कंडक्टेंस है इसका HCl का क्या है मोलर कंडक्टेंस है NaCl का सॉरी NaCl का वो मुझे फाइंड करना है ठीक है तो ये रिएक्शन अगेन से तो सबसे पहले तो रिएक्शन लिख लो NaOH plus HCl giving NaCl plus वाटर वाटर को फॉर्म नहीं करेगा तो इसका कोई मतलब नहीं है NaOH मेरे पास कितना है 0.1 मोलर है और कितना है 100 है तो इसके कितने मिलीमोल होंगे 10 मिलीमोल्स होंगे कितने मिलीमोल्स होंगे 10 मिलीमोल्स अब HCl के साथ देखते हैं HCl मेरा कितना है 0.1 मोलर है और कितने क्या है इसका 50 है ठीक है इसके कितने मिलीमोल बनेंगे 5 मिलीमोल बनेंगे तो देखो अब लिमिटिंग एजेंट कौन हो गया इसके केस में HCl हो गया क्या हो गया HCl लिमिटिंग एजेंट हो गया तो जब रिएक्शन होगी तो क्या बनेगा इसके 5 बचेंगे इसके 0 बचेंगे इसके 5 बन जाएंगे और इसके कितने बनेंगे 0 बचेंगे ठीक है तो देखो मेरे पास किस किस के मोल्स बचे NaOH के बचे और NaCl के देखो तो मेरे पास कौन कौन से इलेक्ट्रोलाइट बचे हैं अब ये कौन सा केस है बिफोर इक्विवेलेंस बॉन्ड वाला केस है बेसिकली ठीक है तो इसमें मेरे पास क्या बचा है अगर मैं ये इसकी क्या लिखूं इसका नई कंसंट्रेशन ऑफ NaOH क्या हो जाएगी एन डैश एन एच 5 मिलीमोल अपॉन में टोटल वॉल्यूम कितना टोटल वॉल्यूम हो गया 100 NaOH का और 50 HCl का 5/150 इसी तरीके से नई कंसंट्रेशन ऑफ NaCl क्या हो जाएगी यानी एम डैश NaCl सॉल्यूशन में जो कंसंट्रेशन हो जाएगी वो भी 5/150 हो जाएगी अब ये सॉल्यूशन का जो फॉर्मूला बनेगा वो किसके इक्वल आ जाएगा 1/1000 मोल क्या एम डैश NaOH इनटू लैम्डा एम ऑफ NaOH प्लस एम डैश ऑफ NaCl इनटू लैम्डा एम ऑफ NaCl ठीक है तो मुझे क्या निकालना है लैम्डा एम ऑफ NaCl को निकालना है किसको निकालना है लैम्डा एम ऑफ NaCl को निकालना है ठीक है k सॉल्यूशन मुझे गिवन है कितना k सॉल्यूशन होगा 0.01 साइमन सेंटीमीटर का 0.01 ठीक है इक्वल्स टू 1/1000 m डैश एंड h कितना हो गया 5/150 ठीक है और लैम्डा एम ऑफ NaOH कितनी निकाली अभी मैंने कितनी किसके इक्वल आई लैम्डा एम ऑफ NaOH ये आया 200 साइमन सेंटीमीटर का इनटू 200 प्लस m डैश ऑफ NaCl भी 5/150 5/150 इनटू लैम्डा एम ऑफ NaCl मुझे निकालना है ठीक है 5/150 भी कॉमन आ गया तो 0.01 इनटू 1000 ऊपर चला गया और 5/150 यानी 5 नीचे आ जाएगा और 150 ऊपर चला जाएगा क्योंकि
इसी को 5/150 कॉमन लिया, फिर इधर मल्टीप्लाई कर दिया, ये स्टेप स्किप किया है, जब कंफ्यूज मत होना, तुम कंफ्यूज हो जाओ तो ये क्या बचेगा 200 प्लस लैम्डा एम ऑफ एन ए सी। ठीक है, तो यहां से लैम्डा एम ऑफ एन ए सी की वैल्यू हम निकाल देंगे, इसकी वैल्यू निकाल देंगे लैम्डा एम ऑफ एन ए सी की जो भी वैल्यू आएगी उसमें आएगी 5 से 30 टाइम्स, तो ये कितना हो जाएगा 20 से ये 20 कट गए 300 माइनस 200, तो ये अप्रोक कितना आंसर आएगा 100 लैम्डा एम है तो यूनिट साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, क्या आएगा साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, दूसरे ऑप्शन का आंसर क्या आएगा 100 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, 100 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। आओ ऑप्शन नंबर 3 की बात करते हैं, किसकी बात करेंगे हम ऑप्शन नंबर 3, उसने बोला अगर मैं 150 ml HCl को यूज कर दूं तो फाइंड आउट द कंडक्टिविटी ऑफ द रिजल्टिंग सॉल्यूशन गिविंग दैट लैम्डा एम ऑफ HCl 225 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स है, तो उसने बोला कि अगर मैं 150 ml HCl ऐड कर दूं तो भैया मेरी क्या कंसंट्रेशन क्या स्पेसिफिक कंडक्टेंस होगा सॉल्यूशन का, यानी के सॉल्यूशन पूछा है किस केस का जब 150 ml HCl ऐड किया गया, जो बिल्कुल छोटी सी बात है, बहुत करते हुए आए हैं ये बात, हम बिल्कुल लो फादर उसी केस में है, क्या वही रिएक्शन है मेरी NaOH plus HCl NaCl plus H2, सिंपल सी रिएक्शन है बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, NaOH मिला तो कितना है 0.100 ml, तो कितने मिलीमोल बन गए इसके 10 मिलीमोल बने, मिलीमोल्स कितने बने इनके मिलीमोल्स कितने, ठीक है। अब मेरा HCl कितना है, HCl कितना है 0.1 मोलर और 150 ml, तो इसके कितने मिलीमोल बन गए 150 मिलीमोल बन गए, अब रिएक्शन चलाएंगे 15 मिलीमोल, तो रिएक्शन चलाएंगे इस वाले बिल्डिंग में एजेंट NaOH बन जाएगा, ये 0 बचेगा, इसके 5 बचेंगे रिएक्शन के बाद, इसके 10 फॉर्म हो जाएंगे और इसका कुछ लेंगे नहीं, H2 का कुछ लेंगे, तो अब मेरे रिएक्शन मेरे सॉल्यूशन में मतलब मेरे सॉल्यूशन में कौन-कौन से दो इलेक्ट्रोलाइट बचे हैं HCl एंड NaCl, तो जब मेरा के सॉल्यूशन लिखा जाएगा तो इनकी कंसंट्रेशन देखो, नई कंसंट्रेशन ऑफ HCl क्या हो जाएगी 5 टोटल वॉल्यूम कितना हो जाएगा 100 प्लस 150 दैट इज इक्वल्स टू 250, इसी तरीके से NaCl का नया वॉल्यूम कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी N/250, और जब के सॉल्यूशन लिखेंगे क्या लिखेंगे के सॉल्यूशन लिखेंगे 1/1000 क्या m HCl की नई कंसंट्रेशन इनटू लैम्डा m ऑफ HCl प्लस m नई कंसंट्रेशन ऑफ NaCl इनटू लैम्डा m ऑफ NaCl, ये सब बातें सब पता है मुझे, के सॉल्यूशन निकालना है, के सॉल्यूशन निकालना है 1/1000 m HCl भी पता है 5/250, ठीक है, और लैम्डा एम ऑफ HCl गिवन है मेरे पास 225 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स इनटू 225 प्लस m ऑफ NaCl क्या हो गया 10/250, ठीक है, और लैम्डा एम ऑफ NaCl मैंने निकाला था कितना आया था गिवन था लैम्डा एम ऑफ NaCl, भाई लैम्डा एम ऑफ NaCl गिवन नहीं है, तो लैम्डा एम ऑफ NaCl हमने निकाल तो लिया था ऑप्शन नंबर बी में, वही तो निकाला 100 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, यानी 100 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स आ गया। अब इसको सब निकाल देंगे, यहां से के सॉल्यूशन की वैल्यू आ जाएगी कितनी आ जाएगी 0.0085 साइमन पर सेंटीमीटर, साइमन सेंटीमीटर बच्चों भी आई थी मेरा कैलकुलेशन में भी कि मैंने निकाली हुई थी तो मुझे याद थी थोड़ी बहुत, तो इसकी वजह से आई है, बाकी मुझे पता नहीं सही वैल्यू कैलकुलेट कर रहा है, बाकी कौन से आपको बिल्कुल सही है, ठीक है, यहाँ न्यूमेरिकल हो गया। देखो यहाँ बेसिक कंडक्टेंस का टाइप ऑफ कंडक्टेंस वाला जो पार्ट था वो खत्म हो चुका है, अब हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे फैक्टर सेफ्टी कंडक्टेंस जो हमारा दूसरा पार्ट था, तीन पार्ट में सिलेबस को डिवाइड कर था क्या टाइप्स ऑफ कंडक्टेंस फैक्टर सेफ्टी कंडक्टेंस और तीसरा कंडक्टोमेट्रिक थ्योरीज या कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन वाला जो पार्ट था, पहला पार्ट पूरा खत्म हो चुका है, दूसरा पार्ट